विद्या, मुझे लगा था कि हम दोनों ही जेल से बाहर आ गई हैं और अब हमारे परिवार को खतरा नहीं है। गौरा का सच सबको बता दूंगी, लेकिन वो अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आई। मीरा को उसने अपने कब्जे में करके रखा है, छुपा कर रखा है, और इसलिए फिलहाल हम दोनों को चुप रहना होगा। हाँ दादी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें मीरा दी के बारे में पता चल सके। दादी, हम खुलेआम कुछ कर भी तो नहीं सकते, ना हमारा एक गलत कदम, और पता नहीं बाजी दी के साथ क्या कर बैठेंगी। जी बहुत खतरनाक है दादी। जानती हूँ विद्या, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारा गौरा बाल भी नहीं बांका कर सकते। यदि मीरा के बारे में तुम्हें कोई भी खबर मिले, कोई भी बात पता चले, तो फौरन मुझे खबर कर देना, और इसीलिए अपनी आंख और अपने कान खुले रखना। समझे गए? जी दादी। और यदि तुम्हें लगे कि तुम पर कोई खतरा है, तो तुरंत मुझे बताना। मैं आपको बाद में फिर से कॉल करूंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किससे बात कर रही थी आप? विद्या से। दरअसल वो उसके हालचाल पूछने के लिए मैंने फोन किया था। कोई खास बात नहीं थी। झूठ तो आप बोल नहीं सकती वेवान जी, पर कोशिश भी क्यों करती है वेवान जी? अब तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर अब यकीन हो गया है कि आप जरूर कुछ हमसे छुपा रही है। ऐसी क्या बात है जो आप हमें बताना नहीं चाहती? क्या हुआ है मीरा को? वो ठीक तो है ना? वाकई वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो मीरा को क्या होगा, वो तो बिल्कुल सही सलामत है। ठीक है विमान जी, अगर आप बताना नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं। इसे आज एक बात तो साबित हो गई कि भले ही मैं आपके साथ इस घर में रह रही हूं, पर हूं तो पराई ही ना। उर्मिला बहन, कृपया आप ऐसा ना कहें। मैंने आपको कभी भी पराया नहीं समझा। आपको हमेशा मेरे परिवार की सदस्य ही माना है, और फिर हर मुसीबत में आपने मेरा साथ दिया है, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? कृपया ऐसी बात ना करें। ये ना विमान जी, ऐसी क्या बात है जो आपको मन ही मन खाए जा रही है? विमान जी, आपको तो पता है ना, हमारे परिवार की शक्ति हमारी एकता है। जब जब हम पर मुसीबत आई है, तब तब हमने साथ मिलकर उसका सामना किया है, तो आज अकेले हम आपको कैसे लड़ने दे सकते हैं? आपकी ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसी क्या बात है? क्या हुआ मीरा के साथ? सारा सच बताती हूँ आपको। एक्सक्यूज मी, ग्रैंड पार्क होटल। वैसे आपको कहाँ जाना है? मुझे? मैडम मुझे समोसा। क्या
समोसा? नो समोसा, अरे नो 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 समोसा, ये 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 याद आ रहा है। ड्राइवर सेंटोसा। हाँ सेंटोसा, सेम डिफरेंस। वैसे आपके बातों से तो ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ काफी बार आ चुके हैं बहन। ओहो मैडम, आ नहीं चुका हूँ, मैं तो पैदा यहाँ हुआ था। So I drive now? Yes, yes. हमने कौन से तुम्हारे हाथ बांध रखे, चलिए। What? Drive, drive. Fast, fast. Terima kasih. क्या? बात गलती था? तेरी तो? Hey, hey. It means thank you. Terima kasih means thank you. अरे वावा, इनकी भाषा में काशी मथुरा बनारस सब है। वावा. Thank you बोले तो terima kasih. अगर sorry बोले तो इसका बाप बनारस। Driver, drive. Fast, fast. और इस तरह से गौरा ने मुझसे, मेरे परिवार से सब कुछ छीन लिया। और वो अभी भी हम सबको बर्बाद कर देना चाहती है, जो मैं कतई नहीं होने दूंगी। मेरे कदम पीछे इसलिए हट जा रहे क्योंकि मीरा उसके कब्जे में है। इसलिए चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना ही विद्या कुछ कर पा रही है। हे भगवान, हमारे अहम को गौरा ने मार, क्यों क्यों मारा उसे? दादाजी फिलहाल संभालिए अपने आप को। इस परिवार को एक व्यक्ति के कारण कितना दुख पहुंचा है। नहीं, उसने सिर्फ अहम की जान नहीं ली है, अहम की मौत के साथ हर पल हम सब थोड़ा थोड़ा मरे हैं। विवान जी, उसने हमारे परिवार के साथ और बेचारी गोपी, गोपी तो 5 साल तक जिंदा होकर भी एक जिंदा लाश की तरह जी है। इसके बाद जग्गी की माँ को भी उसने इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की कि आज तक जग्गी और हम सब परेशान हैं। उसने हमारे परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है। लेकिन अब बस, अब हम उसे हमारे परिवार के साथ खेलने नहीं दे सकते। अब हम उसकी वो हालत करेंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। आज तक वो अपाहिज बनने का नाटक कर रही थी ना, लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो खुद सच में अपने पैरों पर खड़े ना हो सके। लेकिन मासी, हम कर भी क्या सकते हैं? मीरा है उसके पास, हम कैसे छुड़ाएंगे मीरा को? तो क्या हुआ, मैंने एक सशक्त योजना बनाई है। गोपिका को बातों में उछाना पड़ेगा, शायद इसके मुंह सच निकल आए कि वो यहाँ क्यों आई है। गोपी जी, आप यहाँ किसी बिजनेस के सिलसिले में आई हैं या फिर घूमने आई हैं? एक मिनट, मैं गेस करता हूँ। आपको देख के लगता है कि आप एक पक्की हिंदुस्तानी औरत है जिसका बड़ा सा परिवार है, करेक्ट?
और लेकिन आपकी चाल हाव भाव देख के लगता है कि आप बड़ी सी कंपनी में मैनेजर हैं, आप बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आई हैं। जी नहीं, मैं यहाँ अपने पर्सनल काम से आई हूँ। ओ पर्सनल। अच्छा तो गोपी जी बताइए, आपको सिंगापुर में सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी? एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट के अलावा अभी तक मैंने सिंगापुर में कुछ देखा ही नहीं है। सही बोला, सही बोला। लेकिन आप पहली बार सिंगापुर आई हैं, वो भी अकेली, ऐसा क्यों? जी समझ गया समझ गया, यहाँ पे आपकी कोई फ्रेंड होगी या आपकी कोई रिश्तेदार, मासी की बेटी, सही कहा ना? नहीं, मैंने कहा ना आपसे, मैं यहाँ अपने पर्सनल काम से आई हूँ और मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। पर्सनल काम? क्या मस्त बिल्डिंग है, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग आसमान को छू रही है। मेरा मतलब है कि ऐसे तो आसमान की हवा खराब हो जाएगी, सिंगापुर वाले भी ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन इनको छोटी बिल्डिंग बनानी चाहिए, बहुत बोरिंग है ये। अब या फिर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे बोरिंग लगता है। तुम्हारे मुंह से तो सच निकलवा के रहूंगा गोपिका, वरना मेरा नाम भी जैकी चैन नहीं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।